डियर स्टूडेंट, देखिए आज आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 3 या 4 नंबर का इस तरह का छोटा क्वेश्चन भी आता है। जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। सी रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस एंड ही सरेंडर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 1/3 शेयर इन फेवर ऑफ बी। फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। फिर से समझिए, ए बी सी पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 है। सी रिटायर कर रहा है और वो अपना 2/3 शेयर किसको सरेंडर कर रहा है, ए को, और 1/3 शेयर किसको शेयर कर रहा है, बी को। तो फाइंड आउट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ए और बी का क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा, ये दोनों चीज आपको बताना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर से इस क्वेश्चन को समझ गए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा। देखिए ओल्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एबीसी का कितना, 5:3:2 है। ओल्ड रेशियो कितना है, a:b:c, 5:3:2 है, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब सी सरेंडर कर रहा है, सी रिटायर किया, तो अपना 2/3 शेयर किसको कर रहा है, ए को। तो सी का शेयर कितना है, 2/10 है। देखिए समझिए, सी का शेयर है 2/10, 2/10 का 2/3 किसको दे रहा है, ए को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2/10 का 2/3 कीजिएगा तो 4/30 होगा। तो ए का शेयर कितना था, 5/10 है, और 4/30 किससे मिला उसको, सी से। तो देखिए 5/10 प्लस 4/30 उसको सी से मिला, तो एलसीएम 30 होगा, और 10 3 जा 3 5 5 जा 15, 31 जा 30 1 4 जा 4, तो 19/30 किसका हो गया, शेयर हो गया ए का। और बी का क्या होगा, बी का सी का 2/10 में से बी को कितना मिला है, 1/3, तो 1/3 मिला, 2/10 का 1/3 होने से 2/30 हुआ। बी का शेयर कितना था, 3/10, 3/10 में 2/30 उसको सी से मिला, तो हो गया 30 एलसीएम हो गया, 10 से 30, तो 3 जा 3 3 जा 9, और 31 जा 32, 11/30 उसका शेयर हो गया। फिर से समझिए, आपका क्वेश्चन में बोल रहा है सी रिटायर किया और सी अपना 2/3 शेयर किसको दे दिया, ए को सरेंडर किया है, और 1/3 शेयर बी को किया है। तो सी का शेयर कितना था, 2/10, 2/10 का 2/3 निकालिएगा तो 4/30 होगा, तो 4/30 किसको मिला, ए को मिल रहा है। तो ए का ऑलरेडी शेयर कितना था, 5/10, इसमें 4/30 और जुट गया सी का शेयर, तो एलसीएम 30 हुआ, तो ये 19/30 हुआ, और बी का हो गया 11/30। ओके, देखिए न्यू रेशियो क्या हो गया, a:b, a का हो गया 19/30 अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, और b का हो गया 11/30, तो 30 कॉमन है, तो 19:11 हो जाएगा। दोनों में 30 है तो 30 हटा दीजिए, तो आपका कितना होगा, 19:11 हो जाएगा न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, देखिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया, सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/3 ए को दिया और 1/3 बी को दिया, तो ए को मिला 2/3 और बी को मिला 1/3, तो दैट इज 3 इज कॉमन, तो नाउ 2:1 होगा, होगा कि नहीं, 3 दोनों में कॉमन है, तो 2:1 क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। फिर से समझिए, न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट किए, इसका है 19/30, इसका 11/30, तो 30 इज कॉमन, सो इट इज 19:11। और गेनिंग रेशियो क्या है, a:b, ए को कितना मिला सी का, 2/3, और बी को मिला 1/3, तो 2:1 होगा गेनिंग रेशियो। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन भी 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर का आएगा, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो क्या होगा ना कि आपका नंबर बहुत आएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन यदि आप मिस कर दीजिएगा तो आपका नंबर घट जाएगा, खाली बड़ा क्वेश्चन बना देने से थोड़ी आपको हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए 30 नंबर का आया और बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन आया, तो आपको 80 नंबर का एग्जाम होगा, तो आप सोचिए कि 50 नंबर का ही छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, तो उसको सब आपको बनाना है। इसके लिए इस तरह का नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे, आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, अपना बुक्स में होगा जरूर क्वेश्चन है, कोई भी बुक्स हो, कोई भी राइटर का हो, दैट इज नॉट अ मैटर, अकाउंट्स में इस तरह क्वेश्चन हर बुक्स में होगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम आपको बताते रहेंगे। ओके।